भाई एवं बहनों, देवी सज्जन, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह लगभग अभी बज चुके हैं 7:13। बाकी ये फोन के ऐसे वॉलपेपर चेंज होते हैं ना, कभी कभी बड़ा सा एकदम अजीब सा फील हो जाता है। हुआ क्या था कि ऐसे ही रखा हुआ था मैंने सामने, मैंने बटन दबाया फोन चालू करने के लिए, अचानक से वॉलपेपर चेंज हो गया, एक लड़की की फोटो आ गई सामने। भाई साहब, मतलब इतना ऑकवर्ड सिचुएशन है, लोग बोलने लगे यार तू लड़की की फोटो रखता है वॉलपेपर में, मतलब ऐसा क्यों। खैर ये सब छोड़िए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और इतनी सुबह से आज मैं रेडी क्यों हूँ। और ये चिक चिक वाली आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, ये दरअसल मेरी गाड़ी से आ रही है, पता नहीं भगवान क्या कर रहा है मेरे साथ। खैर हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताते हैं, चलिए। इतनी सुबह सुबह चाय पीने का मजा अलग है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सिटी कोतवाली पुलिस थाना। पहले भाई साहब रोड के ऊपर ये थाना हुआ करता था, लेकिन अब थाना थोड़ा पीछे हो गया, काफी अच्छी बिल्डिंग बन गई। यहाँ पे से कोतवाली का चौक गायब है, मतलब इतने दिन के बाद मैं रायपुर सिटी के अंदर घुस रहा हूँ, तो मुझे बहुत सी चीजें जो हैं अलग अलग दिख रही हैं, अलग अलग नजर आ रही हैं। और ये बिल्डिंग काफी नई दिखती हुई मुझे, ये है बाजार है, क्या बाजार, जवाहर बाजार। ओ भाई देख रहे हैं, मतलब अब जवाहर बाजार को कितना खूबसूरत कर दिया गया है, इवन अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग भी बना दी गई है यहाँ, बहुत खूबसूरत यार, बहुत ही लाजवाब। और ये देखिए ये है जय स्तंभ चौक रायपुर का, इसमें भी लोग जो है ना अपना एडवर्टाइजमेंट करने से रुकते नहीं है। और यहाँ पे आज संडे मार्केट लगा हुआ, बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये आ गया स्टेशन, और स्टेशन की अब हम पियेंगे चाय। तो ये भीड़ है, कोरोना की भीड़ है स्टेशन पे। फिलहाल हम लोग कमल विहार में आ चुके हैं, क्यों आए हैं नहीं पता, लेकिन आ चुके हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो चुका है, दोपहर से शाम होने वाली है। प्लान में थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं साइट की तरफ। जी हाँ, हमारा एक साइट है, वहाँ पे जा रहे हैं। और कैसे साइट है, क्या साइट है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता चलेगा। फ्यूचर इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड का, जी हाँ, एक रियल इस्टेट कंपनी है और बिया का ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, विनायक दा का है। तो वहीं पे जा रहे हैं, एक साइट देखने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे क्या विमान पत्तन, विमान एयरपोर्ट नहीं, विमान पत्तल एयरपोर्ट। इतना काहे की मकर कर देना, समझ में आता नहीं है, हिंदी वैसी कमजोर है हमारी। ठीक है, आज हिंदी दिवस है भाई, आज हिंदी दिवस, तो तुम हिंदी कमजोर है बोल रहे हो। ओ ओ ओ सॉरी, हरी मोरी मैया। तो ऐसा है कि ये खूबसूरती है रायपुर की, कि यहाँ पे हर पेड़ पौधों को आपको ब्राउन कलर का एक अलग सा ही रंग देखने मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है पेड़ पौधों पर। क्यों भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना, अजी सॉरी, बहुत बेकार। क्या मतलब आप देख रहे हो कि इतने जो एक्चुअल कलर है ग्रीन, वो कलर तो हमें देखने नहीं मिलते हैं आगे पेड़ पौधों पे, बहुत कम। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे धूल कितनी ज्यादा है भाई, कंस्ट्रक्शन गया तेल लेने, पहले प्रकृति बचाओ भाई। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं भाई ये बिल्डिंग बनाएंगे वो करेंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जब इतनी सारी बिल्डिंग्स हो जाएंगी तो वो लोग सांस कैसे लेंगे भाई, पेड़ पौधे लगाओ। तो ऐसा है भाई साहब, पीछे हो रहा है बहुत ही प्यारा सनसेट, और हम खड़े हैं इस वक्त स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के रनवे पे। मैं सूरज को पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वजह से हैं क्योंकि एक फ्लाइट है जो कि इस वक्त यहाँ पे लैंड होने वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्लाइट है यहाँ पे अभी लैंड करने वाली है। अगर की फ्लाइट मेरे सामने से आती है तो बहुत ही प्यारा व्यू बनेगा, अगर पीछे से आती है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे हैं कि सामने से फ्लाइट आएगी और कुछ शायद अच्छे फोटोग्राफ्स हम क्लिक कर सकते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये रनवे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्चुअली ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ये बनाया जा रहा था, और आगे का बहुत बड़ा एरिया अभी
एयरपोर्ट ने कवर करके रखा हुआ। खैर ये सब बातें जाने देते हैं, फिलहाल फ्लाइट का इंतजार करते हैं और आप लोगों को एक प्यारा सा छोटा सा सिंपल सा टाइम लैप्स। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सनसेट। हम एक्सपेक्ट किए थे कि प्लेन यहाँ से जाएगी, लैंड करेगी, बट क्या यार, मैंने फ़ोन भी किया था भाई पायलट को कि बाबा यहाँ से करना। मैंने बोला भैया अब इतना बड़ा प्लेन घुमाऊंगा कैसे, तो मैंने कहा ठीक है कर ले भाई तेरी मर्जी कर ले। तो यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचे तो हैं और यहाँ पे कुछ चल रहा है ऐसा टिकटॉक सा सीन, लोग यहाँ पे टिकटॉक नहीं सॉरी इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं और ऐसे लड़कियाँ से काली काली दो अखियाँ करके नाच भी रही है। तो हमने उनको इग्नोर किया। तो देखिए भाई साहब बात ऐसी है कि अभी हमें विवेकानंद एयरपोर्ट पर रायपुर पर, ठीक है, एक एयरपोर्ट है जगदलपुर पे माँ दंतेश्वरी के नाम पे, माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है ना। आज ही न्यूज़ मिली है कि उस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होने वाला है, मतलब एयरपोर्ट की जो सीमा थी उसे बढ़ाई जा रही है। 2018 पे ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, वहाँ पे फ्लाइट्स चली थी, एक दो फ्लाइट्स चली थी, लेकिन जो लोगों की नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, इस वजह से वहाँ के ऑपरेशन जो है कैंसिल कर दिए गए थे। 2020 पे फिर से स्टार्ट हुए हैं ऑपरेशन और आज ही रजत बंसल साहब जो हैं हमारे कलेक्टर हैं बस्तर के, उन्होंने आज ही ये अनाउंस किया है कि जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपेंशन होगा। काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए तो हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं देखो छत्तीसगढ़ के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है रायपुर से लोगों को वहाँ तक ट्रैवल करवाना, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्या बोलते प्लस पॉइंट है हमारे, हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि लोग अब आसानी से यहाँ से फ्लाइट लेकर के जगदलपुर पहुँच सकते हैं। बाकी जगदलपुर से तो हम उन्हें उठवा देंगे भाई, उठवा देंगे। तरीके से उठवाना हो, उनको चार चक्के पे उठना हो, चाहे उनको दो चक्कों पे उठना हो, चाहे उनको चार कंधों पे उठना हो, उठवा देंगे। Yes. सबका जुगाड़ है हमारे पास, ठीक है। तो मैगी ख़त्म करते हैं और घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। काफ़ी समय से हम यहाँ पे फ्लाइट का इंतजार करते हुए रुके थे लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया, पायलट ठीक नहीं था, पायलट ठीक नहीं था। कॉल किए थे अब वो एक कट्टा बीड़ी मांग ली, हमने मना कर दिया, नहीं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और वो भी फ्लाइट में पीऊँगा बोला, अभी फ्लाइट पे भाई। Rising Stars Season 1 पे आपका स्वागत है और हम आपको मिलाएंगे यहाँ पे कुछ बहुत ही अल्टीमेट Rising Stars से। पड़ गए सर आज कल, हाँ उड़ेगी वो, उड़ेगी क्या लगता है आपको, उड़ेगी उड़ेगी, उड़ेगी। मैं उड़वाएगा, रुको ड्राइवर को फोन करने दे, उड़वाएगा मैं ड्राइवर को फोन करेंगे जो कि वहाँ पे एयरपोर्ट में एक जो छोटी सी गाड़ी रहती है ना जो सामान वामान ढोती है, उसके ड्राइवर को फोन करके पूछते हैं भैया कोई पायलट वायलट को नहीं, कोई इतना पहुँच ही नहीं है, इतना पहुँच अपने भाई का है, ठीक है। मोदी को फोन करते फ्लाइट रुकवा देना, फ्लाइट रुकवा देता हूँ मैं तो। उल्टी आ रही है। राइजिंग स्टार सीजन 1 पे भाई पहले राइजिंग स्टार। सो यार राइडिंग 7 जो ये दो समोसे दो प्लेट मैगी पे बिकी हुई लड़की है और उधर ले जाओ, उधर कहाँ पे वो ड्यूपर एक बस, ठीक है ड्यूपर। ये देखो इनका प्रॉपर सेटअप है इनका, ये देखो हाँ उधर पे ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ले जाओ पास से पास से, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी कतई फोटोशूट वगैरह काफ़ी एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है इनका फोटोशूट, और यहाँ पर भी कुछ टिकटॉकर्स और यहाँ पर भी, और गौतम का भी कॉल आ गया मुझे, और ये कार नहीं पता कौन है, और ये प्रॉपर इन्होंने 30 रुपए की यहाँ पे सारे वो लेकर, और ये देखिए सोलो ट्रैवलर ब्रो, सोलो ट्रैवलर, देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग। और हम आ चुके हैं वापस से धूलपुर, आपको धूल की नज़ारे दिखाते हैं। माउंट नहीं है, सब चीज़ हाथ से करना पड़ता है तो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हाइपरलैप्स 3 भी है वैसे, यस हाइपरलैप्स 3 चालू है, अच्छा कैमरा वीडियो फुटेज मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप हिलते हुए भी वीडियो लेंगे तो सारा चीज स्मूथ आएगा, थोड़ा साउंड इफेक्ट, ठीक है ठीक है। और ये बैल को हमने घोड़ा बना दिया, देखो आप देखो, नहीं नहीं ठीक है बैल ही है, सांड है वो, सांड है, सॉरी बचपन में थोड़ी ज्ञान की कमी हो गई थी। और ये भाई आया हुआ कबीर सिंह लाइट, ठीक है। और चलिए फिर से वापस चलते हैं हम लोग अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं।
है ना भैया? हाँ भाई, बहुत बहुत। ये हम लोग ऐसा जानबूझ के बोलते हैं ताकि हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कतई ही एनर्जी, मतलब 48 आवर्स हो गए हमने अपना अपडेट कर लिया। पहले भैया का था कि फुल पावर 24 आवर, और उसके बाद मैंने फिर हम लोगों ने अपना सिस्टम अपडेट किया, नाउ वी आर रनिंग ऑन 48 आवर्स। तो अरे बंद हो ना। तो ऐसा है भाई साहब, जितना भी घूमे फिरे आज का दिन जो था ना, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था। फिलहाल ये टायरिंग डे यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है? तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत,